आज डॉगी ब्रदर्स के तो निकल पड़े। घर के सामने है इम्पोर्टेड गाड़ी। खाने की खुशबू से दिमाग की घंटी बज गई। दिमाग की घंटी नहीं, बाहर कोई हॉर्न बजा रहा है, दरवाजा खोल। भैया आपके लिए चिट्ठी। ईमेल के जमाने में चिट्ठी? डिनर पार्टी का इन्विटेशन। आज तो हम फ्री की दावत उड़ाएंगे। भैया हम दावत उड़ा देंगे तो खाएंगे क्या? अरे भाई देखो इनविटेशन खुद चलकर हमारे पास आया है। यहाँ तो टेस्टी है, डिनर भी टेस्टी होगा। बोंडा ये बता कि अकल बड़ी या भैंस? वो तो पता नहीं, लेकिन ये गाड़ी उन दोनों से जरूर बड़ी है। रुको, तुम नहीं जा सकते। क्यों? इसका टिकट लगता है क्या? टिकट नहीं, ठीक ठाक ड्रेस पहनना होता है। और ऐसे कपड़े तो मैंने अभी अभी अपने पापा की शादी में बनवाए थे। कहाँ गए कहाँ गए, कहीं पापा तो पहन कर नहीं चले गए। ये तो हाइट हो गई। जोश में होश मत खोना भैया। ओए मिल गई मेरी फेवरेट शर्ट, इसे मैंने खोया तो नहीं लेकिन खाया किसने? ओए चूहो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चूहो को छोड़ो भैया, पहले गाड़ी पकड़ो। बाय बाय डॉगी ब्रदर्स, का लंच तक पहुँच जाना। ये कार है या 3 BHK फ्लैट? जो भी हो मैं तो इसे देखकर बिल्कुल फ्लैट हो गया। अगर ये फोन चलता हो तो क्यों ना एक मिस कॉल दे दे। हेलो कौन? पहचान कौन? भैया जल्दी कुछ करो। ओए मुन्ना, ये बल्लू का कोट सूट कब काम आएगा? यस कर्नल बन गया जेंटलमैन, और ये रूम फ्रेशनर मुझे फ्रेश रखेगा। यस आई एम रेडी टू गो। इस आइसक्रीम के साथ डॉगी डॉन के हाथ का चिकन होता तो और मजा आता। अभी अभी गाड़ी सही ट्रैक पे आई है और तूने उस गधे का नाम ले लिया। भाई गधे का नाम लेते ही हमें लात कौन मार रहा है? ओ चूहो, तुम्हारे लिए लात क्या, मेरा 2.5 किलो का हाथ ही काफी है। लो आ गए बेचारे जमीन पर। अच्छा है वरना होटल में पहुँच के थोड़ा अमीर लोगों की तरह बिहेव करना, बिल्कुल मेरी तरह। भैया अमीर बनना तो मुझे पसंद नहीं, लेकिन आपके लिए कुछ भी करूँगा। ओए चल अंदर जाके इस होटल की शोभा बढ़ाते हैं। लेकिन भैया शोभा तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही, कहाँ गई होगी? वरना पार्टी तो टेरिस पे है। रुक जाओ हमें भी लिफ्ट करा दो। ओए मेरी शर्ट के बटन के साइज के भी नहीं हो, और मेरी शर्ट पहनोगे? चलो हवा दे दो। इनकी हवा टाइट करनी होगी रे बाबा। ये लो भाई स्क्रू ड्राइवर। मेरा खाना और निशाना दोनों नंबर वन। माचिस सटक ले। फटा हुआ पजामा और लंबू का कारनामा कभी बेकार नहीं जाता। और मोटू को भी दिमाग का फ्यूज उड़ाना आता है। अब लिफ्ट चलेगी नहीं दौड़ेगी रे बाबा। भैया लोग चांद पे जाते हैं, सूरज पे क्यों नहीं जाते? जाएंगे कैसे, वो तो बहुत गर्म है ना। तो फिर भैया रात को क्यों नहीं जाते? ओए तेरी बकवास सुनकर ये लिफ्ट भी रुक गई। फिर रुक गई। चल मेरी धन्नो कर्नल के डिनर का सवाल है, चलना। इसे कहते हैं उंगलियों पर न जाना। अच्छा है भैया इन पिद्दी चूहों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हमें पिद्दी का आप देख पिद्दी पावर का असर। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। ओए मुझे क्या कम डर लग रहा है, चुप हो जा भैया। वरना ये फ्री का डिनर तो बहुत महंगा पड़ गया। इतने उदास मत हो भैया, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते रहते हैं, लेकिन मुझे इसको बैलेंस करना आता है। अब क्या होगा मुन्ना? होना क्या है, जाना फ्री आना भी फ्री, और सही सलामत पहुंच गए तो तुम्हारे लिए खाना भी फ्री। अच्छा है लगता है मुन्ना हम बच गए, लेकिन अब हमसे नहीं बचोगे। इसी के साथ डॉगी ब्रदर्स का चैप्टर क्लोज। इतना सारा खाना तो मैंने दादाजी की शादी में भी नहीं देखा। डोंट हंग्री मी। ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा। कुछ खाए बिना इतना भारी कैसे हो गया रे बाबा? ना जरा से खाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटी मोटी टंगड़िया भी मिलती है भैया। अरे बुद्धू पापा कहते थे जब नदी सामने हो तो ग्लास से पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम से डुबकी लगाना चाहिए। भैया ऐसा ही डिनर मैंने कल दोपहर में खाया था। ओए दोपहर के खाने को लंच बोलते हैं, डिनर तो रात के खाने को बोलते हैं। वो भी तो परसों रात का ही बचा हुआ खाना था भैया। ये टूटते क्यों नहीं? ऊंचे दुकान फीका पकवान, लगता है इस बर्गर को भी भूख लगी है। भूख मुझे लगी है। ये लो तुम भी खाओ। चूहो जिसकी थाली में खाते हो उसी को गीला करते हो, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन मैं तो इसे छोड़ सकता हूँ ना भैया। आजकल क्या दरवाजे भी मारते हैं, अब तो हर कदम फूक फूक के रखना होगा। तो फूक मार, हम थूक लगा के धूल चटाते हैं। चलो अब चिकन बड़ा पाव, मक्खी का सूप, सब कुछ तैयार हो गया। तो देर किस बात की, मैं तो आ रहा हूँ ना। ये लो
मेन्यू में एक आइटम और बढ़ गया, मोटू पकोड़ा। ए चूहो, घर का खाना तुम्हारे लिए कम पड़ गया क्या? तुम यहाँ भी आ गए? इसका बिल कौन भरेगा? बिल हम भरेंगे, बस तुम्हारा क्रेडिट कार्ड दे दो। क्रेडिट कार्ड ये लो। सॉरी सॉरी नहीं, अब तेरी बारी। चूहा पार्टी जिंदा बोर्ड। बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, चूहो के एंट्री अलाउड नहीं है। हमें डरते हैं और कर्नल का कोल्ड ड्रिंक बांटते हैं। डोंट वरी लम्बो, हमारी हार का बदला अब हम इस हार से लेंगे। ये ले कर्नल, चेरी विद कोल्ड ड्रिंक। अरे मैं तो स्ट्रॉबेरी पी रहा था, ये चेरी कहाँ से आ गई? तौबा तौबा, हार की चोरी। मेरा हार, मेरा हार चुराते शर्म नहीं आती। वैसे भी मिसेस कंजूस से उधार मांग के लाई थी। 2 किलो के हाथों के सामने 250 किलो का हाथ कमजोर पड़ गया। ये लीजिए मैडम, आपके बर्थडे के लिए 3 साल से बना रहे थे। ओह ग्रेट, हैप्पी बर्थडे टू मी। ओह नो, बर्थडे तो मनाओ, केक हम खाएंगे। ओए चूहो, हम भी आ रहे हैं तुम्हारी मदद करने। लम्बू जल्दी कुछ कर, वरना ये केक हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब ये खतरों का खिलाड़ी हो सर, तो डरने की क्या बात है। ए चूहो, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो? हमें भी घर तक लिफ्ट दे दो। भाई इसका तो ओवरवेट ज्यादा हो गया, फालतू सामान नीचे फेंकना होगा। तो पहले मोटू को फेंक देते हैं। भाई मेरे कमजोर दिल को चोट मत पहुँचाओ। मैं तो मजाक कर रहा था। भाई हमने तो कर्नल के कपड़े भी फेंक दिए, फिर भी वेट कम क्यों नहीं हो रहा? कपड़े फेंकना आसान है, लेकिन इस कर्नल को नीचे फेंकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन भैया हम तो नीचे ही जा रहे हैं। नीचे आ जाओ मेरे दोस्त, डिनर अभी बाकी है। अरे हमें डिनर विनर नहीं चाहिए, पहले से ही हमारा पेट भरा हुआ है। हाँ, मैंने तो डकार भी ले ली। अरे आज तो मोटू ने कमाल कर दिया। मेरे खाने को नजर मत लगाओ, थोड़ा तुम भी खाओ और मोटू के गुण गाओ। भाई आज तो मोटू ने हमारा सर ऊंचा कर दिया। वाह, इसे कहते हैं एक तीर दो निशाना। एक तो मारपीट से बच गए, साथ साथ मूनलाइट डिनर भी हो गया। अच्छा है।